आहो, गहने कहाँ है? गहने? हाँ, इसी में होंगे। नहीं है। तुमने ठीक से देखा? हाँ, यही होते। ये नहीं है, गहने नहीं है यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है? परसों ही मैंने देखा था, गहने इसी में थे। अरे देवा, मतलब एक आखिरी उम्मीद बची थी गोविंदा के लिए, वो भी चली गई। गहने कहाँ गए? कहाँ जा सकते हैं गहने? कौन चोरी कर सकता है? बाहर से तो कोई आया ही नहीं, घर में मैं, तुम और गोविंदा ही थे। गोविंदा कहाँ है? सुबह से देखा नहीं मैंने उसे। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं चियू, गोविंदा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मानना तो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन गोविंदा गुस्से में बहक सकता है। कहीं उसी ने तो भिक्षाम दे ही। शांत हो जाए, बताइए बात क्या है? घर के एकमात्र पूंजी चोरी हो गई है साई, और मुझे लगता है कि मुझे अफसोस है, आपका डर सही है। साई, मैं नहीं मान सकता कि गोविंदा ऐसा कर सकता है। वो भले ही बुरा मान जाए, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। मेरा बेटा अपने ही घर में चोरी करेगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे उससे मिलना है, पूछना है उससे, ऐसा कैसे कर सकता है वो? क्या इतना विश्वास नहीं था अपने आई बाबा पे? मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। नहीं चूते, आप कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे गोविंदा से। लेकिन मैं उसे गलत राह पर चलकर अपना जीवन बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती हूँ साई। गलतियां सबसे होती हैं चूतई, लेकिन एक गलती से इंसान परिभाषित नहीं हो जाता है। वो उस गलती से कैसे उभरता है, ये महत्वपूर्ण है। चूते, एक समय था जब आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं थी, तब आपने भी गलतियां की, लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर आपने सीखा
आप जो थी उससे विपरीत हो गई। आप सबकी मदद करने लगी, सबको सम्मान देने लगी और लोगों ने आपको दूसरा मौका दिया। अगर आपको दूसरा मौका नहीं मिलता तो आपको कितनी तकलीफ होती। इसी तरह अब आपको गोविंदा को मौका देना है। उसे गलती करने दो, ठोकर खाने दो, सबक सीखने दो। उंगली पकड़कर चलाने वाली मां महान होती है, लेकिन सही समय पर उंगली छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा करने वाली मां उससे भी ज्यादा महान होती है। गोविंदा को जिंदगी मौका दे रही है अपनी गलतियों से सीखने का। ये मौका उससे मत छीनिए, मत जताइए उसे कि आप कुछ भी जानते हैं। नहीं साई, ये कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। माँ हर मुश्किल का सामना करके भी वो करती है जो उसके बच्चों के उद्धार के लिए जरूरी होता है। सजा देने से कहीं अच्छा होता है पछतावे के आंसुओं से पापों का धुलना, और इन आंसुओं से धुलने के बाद जो गोविंदा आएगा वो सच्चाई और अच्छाई की मिसाल बनेगा। बाकी अल्लाह मालिक। गोविंदा, जी काकी। गोविंदा, पैसे सोच समझकर खर्च करने चाहिए, क्योंकि उन्हें कमाने के लिए काफी मेहनत और कई साल लग जाते हैं, मगर गवाने में बस कुछ पल। जी वो तो है काकी। और एक बार जाकर साईं से आशीर्वाद ले लेना, उन्हें सब कुछ बता देना। क्या बता दूं काकी? यही कि मैं बोलिए ना, आप साफ साफ कहिए क्या कहना चाह रही है। मैं बस तुम्हारे नई जीवन यात्रा के लिए तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आप सबके आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है काकी। चलता हूँ। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी ना। साईं जैसे गुरु की शरण मिली है हमें, और उनके आशीर्वाद से तो जन्मों के पाप मिट जाते हैं। अगर ऐसे इंसान के रहते हुए भी हम नहीं संभले तो हमारा विनाश तय है।
और गोविंदा तो आपके भाई का बेटा है, अब उसके साथ ऐसा क्या? आज तक तुम मुझसे बहस करती थी, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। अब तुम बाहर के लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, इसकी सजा मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी कि आज के बाद जब भी तुम्हारा मुंह मेरे खिलाफ खुलेगा तो तुम्हारी जुबान कट के गिर जाएगी। सच की राह पे चलने की तकलीफ है तो उसका मलम भी थे। से मुंह को दबा दो। तुम्हारे चीखों की आवाज गौतम को सुनाई नहीं देनी चाहिए। मुझे मत मारी है, मैं मत मारी, मैं हाथ छोड़ती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने आप ही निमंत्रण दिया है इस सजा को। हाथ आगे करो। सजा भी पूरी नहीं हुई। कितने तरीकों से समझाया तुम्हें, हाथ नहीं उठाया तुझ पर, लेकिन तेरी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसे ही मुंह खोलती रही तो लोग मुझे जेल भिजवा देंगे। इसलिए ये जरूरी है कि अगली बार मुंह खोलने से पहले तुझे ये मार याद रहे, याद रहे। दोबारा कभी मुझे मजबूर मत करना, क्योंकि अगली बार मैं मारूंगा नहीं, तुझे इस घर से, अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। मरते दम तक अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाओगी। सुनिए, जी आप मेरी एक मदद करेंगी? कैसी मदद बाबा? आई आई कहाँ हो तुम? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। फिर आपने आ क्यों किया? जैसे चोट लगने पर कहते नहीं, दिखा दिखा तू मुझे। गौतम कुछ नहीं हुआ, गौतम कुछ नहीं हुआ।
भाई ये क्या हुआ, आपके हाथ को चोट आ गई है? नहीं नहीं बेटा, वो खाना बनाते वक्त जल गया। साई, आपने कहा था गलत बात का विरोध करो, मैंने किया, उसके बदले मेरे हिस्से में ये दर्द आया है। ये दर्द तो मैं सह लूंगी, लेकिन अपने बेटे से बिछड़ने का दुख कैसे बर्दाश्त करूंगी साई? कैसे अपना धीरज बनाए रख पाऊंगी मैं? मालकिन, मैं बाजार से सामान लेकर आ रही थी, वहां मुझे एक फकीर मिले, उन्होंने मुझसे मदद मांगी। ये फूल अपनी मालकिन को देना और कहना कि फूल शीतलता देंगे। कौन थे वो फकीर और कैसे दिखते थे? उन्होंने सफेद कफनी पहन रखी थी, सफेद दाढ़ी और कंधे पे एक झोला था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी, उनको देखते ही सर झुकाने का मन करता है। साई ने ये फूल क्यों भेजे होंगे? फूल का है? फूल मुझे भी दो। समझ गई साई कि मैं जिस राह पर चल रही हूं वो सही है, और अब जो भी हो मुझे ये विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। बस मुझे अपने बच्चे से दूर मत कीजिएगा। गोविंदा, तुम आज गांव वालों से बात करने वाले हो ना? काका आप चिंता मत कीजिए, आपके इस नेक काम में भागीदार बनना मेरा सौभाग्य होगा। धर्मशाला पास ही है काका, वहां पर रहने की व्यवस्था अच्छी है और भोजन मैं लेकर आया करूंगा। शिरडी के लोग कितने निस्वार्थी हैं, आप लोगों को देख के दिल से यही दुआ निकलती है कि आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही हो। ये दुआ तो सालों पहले ही कबूल हो गई थी काका, जब साई इस गांव में रहने आए थे। काका क्या हुआ, चलिए यहाँ से नहीं वहां से चलते हैं। लेकिन काका ये रास्ता लंबा है। जो रास्ते लंबे होते हैं वो अक्सर सही होते हैं, इसी बहाने में नया रास्ता देखूंगा। चलो चलो।
लगता है ताराचंद किसी काम से आया है। मुझे बच के रहना होगा, किसी भी हालत में इसके सामने ना आ जाऊं, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या हुआ काका, आप रुक क्यों गए? चलिए। कुछ नहीं चलो। रात चाहे कितनी भी अंधकार भरी क्यों ना हो जाए, उसे छेद देने वाला उजाला देर से ही सही मगर आता जरूर है, और उसके आते ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। अल्लाह मालिक। दो महीनों में कई सारे लोगों के पैसे दोगुने हुए, अब ये हम पे कि हम इस मौके को जाने देते हैं या इसका लाभ उठाते हैं। मधुकाका बड़े ही नेक इंसान है, ये तो हम सबने देखा है। अब वो चाहते तो अकेले अमीर हो जाते, लेकिन वो अपनी इस योजना से सबको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें करना क्या होगा? गोविंदा पर हमें पूरा भरोसा है, वो समझदार है। अगर वो कह रहा है तो हम जानते हैं कि उसने पूरी तरह से समझ परख लिया होगा आपकी इस योजना के बारे में। अब मेरी इतनी मदद कीजिए, आप सब कतार में आइए।